अगर आप इंस्टाग्राम यूजर एंड ऐसे में आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं, अगर आप चाहते हो अपनी रील्स के ऊपर जो है इस तरीके का नीचे मैसेज बटन को ऐड करना, चाहे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, चाहे अपने व्हाट्सएप अकाउंट के लिए, तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूंगा इसकी यहाँ पे जो है बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस रहने वाला है एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं आ चुका हूं, मेरे अकाउंट पर अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। अभी एक्चुअली क्या करने वाला हूं, जो मेरे पास रील्स पड़ी हुई एग्जिस्टिंग उसको मैं पोस्ट करूंगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अगर जो है व्हाट्सएप पे ऐड करना है तो आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको अगर व्हाट्सएप नहीं करना, सिर्फ इंस्टाग्राम का मैसेज बटन ऐड करना है, तो वो चीज आप जो है इजिली कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे मैं आ चुका हूं रील्स के ऊपर, एंड यहां पे मैं एक रील सेलेक्ट कर देता हूं जैसे आप देख पा रहे हैं। यहां से मैं नेक्स्ट चलता हूं। अब कैप्शन मुझे जो भी ऐड करना है, टैग करना है, वो सब मैं यहीं से कर सकता हूं। इन सब चीजों को मैं स्किप करने वाला हूं, एंड आप यहां पे ऑप्शन देखेंगे ऐड मैसेज बटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम मैसेज बटन ऐड करना है। अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट इसमें अटैच्ड है, लॉगिन है, लिंक्ड है, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का भी आएगा, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक ही बार एक चीज का करोगे, देख पा रहे होंगे शेयर हो चुकी है। अब जैसे शेयर होगी तो इस तरीके से मुझे दिखाई देगी। अब इससे क्या फायदा है कि जो भी आपकी रील्स देगा वो डायरेक्टली आपको डीएम कर सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा यही है, अगर आप जो है सेलिंग करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, रीसेलिंग करते हैं, तो आप जरूर से इसको ऐड करा करो हर एक रील्स में। आप देख ही पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप जब भी मेरी रील्स को इस तरीके से देखेगा आप वहां पे उसको सेंड बटन पे क्लिक करके मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड मैं जो उसको रिप्लाई भी कर सकता हूं। दोस्तों इस तरीके से आप जो अपने इंस्टाग्राम मैसेज बटन जो ऐड कर सकते हो रील्स के ऊपर, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो उसको जरूर से ऐड करना अगर आप जो एंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हो। तो आप लोग बताना कैसे लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस आप चैनल पर लाता रहता हूं। मिलता हूं न्यू वीडियो तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।